नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनडी न्यूज। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हैं। आप देख सकते हैं महागठबंधन की जन विश्वास रैली में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाजे बाजे के साथ लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए लोगों में किस तरह से खुशी का माहौल है। लोग नोटों की भी बौछार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आए हैं शेखपुरा विधानसभा। पूरा उत्साह है, पूरा उत्साह में है। पूरा उत्साह है। एकदम 25 में देश में जो मुख्यमंत्री बना के छोड़ रहा है विजय सम्राट पर पूरा साल 2025 में बनेगी सरकार। पटना की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर बिहार की जनता ने दिखा दिया है आज 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इस तरह से लोगों में आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लोग गाजे बाजे के साथ गांधी मैदान की ओर कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना कैसा नज़ारा है पटना की सड़कों का। बड़ी संख्या में आरजेडी लेफ्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो गाजे बाजे के साथ गांधी मैदान की ओर कूच कर रहे हैं और पूरा पटना जो है लोगों की भीड़ से बाजे के साथ लोग जो है पटना की सड़कों पर उतरे हैं। तो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं जन विश्वास रैली में न सिर्फ लोग जो है सड़क पर उतरे हैं बल्कि बड़ी संख्या में जो है तरह तरह के कलाकार भी उतरे हैं। बिहार का मशहूर लौंडा नाच जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ लोग उत्साह में लौंडा नाच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग संदेश के अरुण जा, तो हमारा नाम है किरण देवी, पत्नी विधायक, हम एक विधायक हैं। भोजपुर जिला से आए हम। हाँ, भोजपुर जिला से आए। मैम क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज हम बोल रहे हैं कि 2024 में तेजस्वी का लालू यादव के पूरा महारैला है। हम लोग बिहार से संदेश से श्रीमती किरण देवी संदेश एम एल ए भोजपुर से हम आए हैं। आज लाखों लाख के संख्या में हम भीड़ है पूरा मेरा समर्थन आया है। आप पूरा हम ही बोल रहे हैं कि 2024 में दिल्ली को मोदी के नरेंद्र मोदी का हम उखाड़ के फेंकेंगे और 25 में पूरा भारत है। जिस तरह से पटना की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ी है, आपको लगता है कि मोदी जी को एक संदेश जाएगा? जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते हैं कि DCBI और तमाम तरह के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको एक संदेश मिलेगा? अरे उनको लोग के तो बखेड़ा है, चलिए टिप्पणा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। मेरा लालू जी का, तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करना है, 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, पूरा समर्थन के साथ। तो सुना है आपने, 2024 में मोदी जी को उखाड़ के फेंकने के लिए ये पटना की सड़कों पर जल सैलाब उमड़ा है और ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, ये संदेश से लोग आए हैं, संदेश विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। आप लोग घोड़े के साथ भी ये लोग आए हैं, घोड़ा हाथी ऊंट, इसकी सवारी कहाँ से आए?
मनेर से, मनेर मनेर। भाई वीरेंद्र के? हाँ भाई वीरेंद्रपुर से। घोड़ा लेके आए हैं तो घोड़ा कैसे जाए? घोड़ा लेके आए भाई से। क्या कहना चाहते हैं? लालू यादव को जिता दीजिए 2024 में। कौन 2024 में? देख सकते हैं लोग किस तरह से गाजे बाजे घोड़े नगाड़े के साथ पटना की सड़कों पर उतरे हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह का नज़ारा आमतौर पर किसी भी पार्टी की रैली में नहीं देखा जाता है और पटना की सड़कों पर अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोग में भारी उत्साह है और लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए? तेजस्वी भैया जिंदाबाद। कहाँ से आए? बक्सर डुमराव से। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जन विश्वास रैली में इसलिए आए हैं कि जो तो तेजस्वी की लड़ाई है 17 माह नाम जो 17 साल का जो 17 माह में बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं, आगे आने वाले दिन में तेजस्वी जी रोजगार दे। मोदी जी को हरा पाएंगे आप लोग? उसके मिशन में देख लीजिए, बुनी पड़ रहा है तब भी हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में आए हैं। 120% हारेंगे मोदी जी, हारेंगे। हाँ, जुम हार के फेंक देंगे लोग कह रहे हैं मोदी जी को। तो इस तरह से लोगों में उत्साह है जन विश्वास रैली को लेकर। हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं सड़क पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पटना की सड़कों पर लोग उतरे हैं। तो जन विश्वास रैली को लेकर पटना जो पड़ गया अट गया। जनसलाब है ये, लालू जी का जनसलाब है, महाराणा का पूरे का रिकॉर्ड। 2024 में मोदी जी को हरा पाएंगे? हाँ, तेजस्वी जी अकेले काफी है इसके लिए, पूरे बिहार में ही, भारत में ही। तो कुछ अलग ही लोगों में उमंग है, उत्साह है और लोग खुशी से झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस तरह से पटना की सड़कों का अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज तक का जो मेरा पटना का एक्सपीरियंस है, इस तरह से किसी भी पार्टी के की रैली में जनसैलाब नहीं उमड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो है बुलाए हुए नहीं हैं, स्वतः स्फूर्त भीड़ है। ये कमाल है आरजेडी का, तेजस्वी यादव का। लोग दौड़ लगा रहे हैं, आगे बढ़ने की होड़ है लोगों में। पटना के गांधी मैदान पहुंचने की होड़ है, क्या बूढ़े क्या जवान सब दौड़ लगा रहे हैं और लगातार गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली है और इस रैली से पहले तेजस्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा की थी और उस यात्रा में भी लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। आज जन विश्वास रैली है और जन विश्वास रैली में लाखों की संख्या में जो है सड़क पर जनता उमड़ी है तेजस्वी यादव के प्रति अपना विश्वास जताने के लिए उतरी है। ये अद्भुत नज़ारा आप पटना इनकम टैक्स चौराहे से देख रहे हैं। गांधी मैदान के बारे में बताया जा रहा है कि गांधी मैदान भी लोगों की भीड़ से पटा है। हम आपको वहां का भी दृश्य दिखाएंगे, लेकिन पहले यहां कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर किस तरह जनसैलाब उमड़ा है और जगह जगह जो है लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। आप जिस जन विश्वास रैली को लेकर यहाँ सत्तू और पानी पिलाया जा रहा है लोगों को, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। 10 लाख नौकरी मेरा तेजस्वी प्रसाद, बिहार का लालू का लाल, और हमारे जो तेजस्वी प्रसाद ने पलटू चाचा नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे।
पलटू चाचा बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन इसका क्याम क्या है, कुर्सी के लिए कभी बिहार में कभी इंडिया में। लेकिन ये बताइए 2024 में बदलाव होगा? 2024 में, 2024 में जो हमारे लालू का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं 40 सीट में, 35 सीट का मेरा दावा, 35 सीट। और जहां जहां नीतीश पलटू चा का जो सीट रहेगा वहां ललटेन जीतेगा। ये बताइए 2025 में क्या होगा? 2025 में हमारे लालू का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम जहानाबाद से विधायक मेरी सुदय यादव उर्फ कृष्ण मोहन जी, और हमने जो आम जनता आए हुए हैं इकरस में, अभी जो है मेरी रथ रोका जा रहा है, मेरी प्रशासन रथ रोक रहा है। इसका हमने जवाब 2024 में दिया।